दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों और नेताओं के भ्रामक, अनर्गल और तथ्यहीन बयानों का संज्ञान लें। उपराज्यपाल ने खेद व्यक्त करते हुए लिखा है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दिल्ली की जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि आप मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघने के अलावा शासन की जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं। उपराज्यपाल ने बीते महीनों में दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री को लिखे पत्रों को याद कराते हुए कहा है कि उन्होंने अनेक बार दिल्ली के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। एलजी ने चिट्ठी में लिखा, आपके मंत्रिमंडल ने स्वयं अपनी बहुप्रचारित आबकारी नीति 2021 को असफल और सक्षम मानते हुए वापस ले लिया। सर्वविदित है कि इस नीति के क्रियान्वयन में घोटाले के आरोप लगे और अनेक उच्चस्थ लोगों की भूमिका कथित रूप से संदेहास्पद रही। इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। क्या इस मामले में जांच के आदेश देकर मैंने कुछ गलत किया? उपराज्यपाल यही नहीं रुके, उन्होंने पत्र में आगे लिखा, मैंने आपको पत्र लिखकर आगाह किया कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करते, जो कि पूर्णतया अनुचित और असंवैधानिक है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आपके निजी सचिवों के हस्ताक्षर से ले लिए जाते हैं। मुझे खुशी है कि अब मेरे पास भेजी गई फाइलें आपके हस्ताक्षर के बाद ही आती है। क्या मेरे द्वारा इस बात के लिए प्रति आपको आगाह करना गलत था? पत्र में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में खाली पड़े पदों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने लिखा, दिल्ली सरकार के स्कूलों में वर्षों से खाली पड़े 20,000 पदों को भरने की बजाय हजारों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स भर्ती किए गए। इनमें से अनेकों के फर्जी होने के मामले सामने आए। इस विषय में मैंने मुख्य सचिव से जांच करने को कहा। क्या यह अनुचित है? उपराज्यपाल ने चिट्ठी में आगे लिखा, अफसोस की बात यह है कि इन सभी मुद्दों पर संतोषजनक कार्रवाई ना करने या उचित जवाब देने की बजाय आप और आपके सहयोगियों ने ऐसे हर हथकंडे अपनाए जिससे गलतियां और कमियां सामने लाने वाले व्यक्ति पर बेहद आपत्तिजनक, अमर्यादित और झूठे आरोप लगाकर लोगों को मुद्दे से भटकाया जा सके। उन्होंने अंत में लिखा, मुझे आशा है कि मेरे इस संदेश को आप सही मायने में दिल्ली के अभिभावक से प्राप्त कर्तव्य पत्र, जिसे आप प्रेम पत्र की संज्ञा दे रहे हैं, के रूप में स्वीकार करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उपराज्यपाल की चिट्ठी का जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट कर एलजी पर एक बार फिर तंज कसा। केजरीवाल ने लिखा, आज एक और लव लेटर आया है। सीएम केजरीवाल ने एक दिन पहले भी ऐसा ही कुछ ट्वीट किया था। कहा था, पिछले 6 महीनों में एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं, उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे।